हाउ टू गेट स्लिम नेचुरली। कोशिश करने और स्लिम होने का निर्णय लेना कभी कभी थोड़ा भारी लग सकता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे विकल्प, राय और योजनाएं हैं। शुक्र है आप स्वाभाविक रूप से अपने आहार, व्यायाम और जीवन शैली में छोटे प्रबंधनीय परिवर्तन करके ट्रिम कर सकते हैं। अपने पूरे जीवन को ओवरहॉल करने के बजाय अधिक आंदोलन में रहने के लिए अपने दिन भर में मामूली बदलाव करने और अधिक स्वस्थ खाने पर ध्यान केंद्रित करें, आप इन परिवर्तनों को बनाए रखने में सक्षम होंगे और अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करेंगे, जबकि उम्मीद है कि प्रत्येक दिन थोड़ा बेहतर महसूस करेंगे। स्टेप वन, चेंजिंग योर ईटिंग हैबिट्स। एक, अपनी भूख के संकेतों पर ध्यान दें और जब आप संतुष्ट हों तो खाना बंद कर दें। आपके शरीर में कैलोरी की गणना करने और भाग के आकार को प्रबंधित करने की अपनी क्षमता है। जब तक आप अतिरिक्त कैलोरी काटने और प्रत्येक नाश्ते और भोजन में छोटे हिस्से से चिपके रहने के बजाय पूर्ण या अति संतुष्ट होने तक खाएं। इसकी आदत पड़ने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप इसे कर सकते हैं। यदि आप अपने पेट में खिंचाव की अनुभूति महसूस करते हैं तो पूर्ण भावना या कुछ थका हुआ खाना बंद कर दें। कई सनक या वाणिज्यिक आहार कार्यक्रम आपको कैलोरी, कार्ब्स या अन्न गिनने के लिए कहेंगे और यह हमेशा आसान या टिकाऊ नहीं होता है। फैट डाइट्स को छोड़ दें। ऐसे डाइट जो दावा करते हैं कि आपका वजन तेजी से कम होगा, आपको एक गोली लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा या किसी भी तरह के भोजन के सेवन को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करेगा, आमतौर पर सही होने के लिए बहुत अच्छा होता है। वजन कम करने और इसे सफलतापूर्वक रखने का सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका है अपनी जीवन शैली में छोटे प्रबंधनीय बदलाव करना। अत्यधिक आहार, अधिक व्यायाम या बिल्कुल भी व्यायाम न करना आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। दो, प्रत्येक भोजन के साथ अपना समय निकालकर मन लगाकर खाने का अभ्यास करें। माइंडफुल खाने से आप कम खाने में मदद कर सकते हैं और कभी कभी कम भोजन से भी संतुष्ट महसूस करते हैं। प्रत्येक भोजन के लिए नीचे बैठने की कोशिश करें और अपने फोन या टेलीविजन से ध्वनि की तरह तालिका से ध्यान भंग करें। प्रत्येक काटने पर ध्यान दें और अपने शरीर के साथ समय समय पर जांच करें कि क्या आप संतुष्ट महसूस करना शुरू कर रहे हैं। खाने से पहले अपने आप से यह पूछने की कोशिश करें, क्या मैं खा रहा हूँ क्योंकि मैं भूखा हूँ, ऊब गया हूँ, तनाव में हूँ या खुश हूँ। यदि यह भूख के अलावा किसी अन्य कारण से है तो कुछ अन्य गतिविधि करने का प्रयास करें। प्रत्येक भोजन को खाने के लिए लगभग 20-30 मिनट लेने की कोशिश करें। अपने कांटे को काटने के बीच रखें, पानी का घूंट लें या अपने परिवार और दोस्तों के साथ चैट करें। जब आप भोजन कर रहे हों तो भोजन के स्वाद, बनावट और रंगों पर ध्यान दें। यह आपको ध्यान केंद्रित करने और धीमा करने में मदद कर सकता है। तीन, अपने शरीर को ईंधन देते समय कैलोरी को कम करने के लिए लीन प्रोटीन चुनें। पर्याप्त प्रोटीन प्राप्त करना सुनिश्चित करने से आप अधिक समय तक संतुष्ट रह सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप दिन भर में अल्पाहार करेंगे। लीन प्रोटीन में कम वसा वाले डेयरी उत्पाद, अंडे, मुर्गी पालन, लीन बीफ, सी फूड, फलियां और टोफू शामिल हैं। प्रत्येक भोजन या नाश्ते में एक दुबला प्रोटीन शामिल करने का प्रयास करें। यह आपको पूरे दिन भरा रखने में मदद करेगा और आपके भोजन को अधिक संतुलित करेगा। अधिकांश लोगों को मांस, पोल्ट्री, समुद्री भोजन, अंडे, सेम और नट्स जैसे स्रोतों से 2-6 औंस 57-170 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। डेयरी स्रोतों से दिन में 2-3 सर्विंग का लक्ष्य रखें। एक सेवारत, एक कप 240 ml दूध, 1.5 औंस 43 ग्राम पनीर या 8 औंस 230 ग्राम दही हो सकता है। 6. इमेज का टाइटल गेट स्लिम नेचुरली स्टेप 4. अतिरिक्त फाइबर, लोहा और धीमी गति से जारी कार्ब्स के लिए साबुत अनाज खाएं। जब आप कर सकते हैं तो अपने शरीर को कुछ अतिरिक्त विटामिन और खनिज देने के लिए परिष्कृत अनाज से अधिक साबुत अनाज चुनें। अगली बार जब आप किराने की दुकान पर होते हैं तो सफ़ेद ब्रेड के बजाय गेहूं की रोटी चुनें या परिष्कृत विकल्पों के बजाय पूरे गेहूं पास्ता या भूरे चावल प्राप्त करें। साबुत अनाज पचने में अधिक समय लेते हैं, जिसका अर्थ है कि परिष्कृत अनाज के साथ कार्ब्स और ऊर्जा की रिहाई में अधिक समय लगेगा। यह उस मध्य दोपहर की मंदी को रोकने में मदद कर सकता है, जबकि आपको अधिक समय तक पूर्ण बनाए रखेगा।
परिष्कृत अनाज अधिक संसाधित होते हैं और साबुत अनाज की तुलना में कम पोषक तत्व होते हैं। इन अवसरों के लिए ठीक हैं और कभी कभी वे केवल एक ही चीज उपलब्ध हैं। जब आप कर सकते हैं तो पूरे अनाज को पसंद करने की कोशिश करें, लेकिन यदि आप समय समय पर परिष्कृत अनाज खाते हैं तो तनाव न करें। अपनी उम्र और गतिविधि के स्तर के आधार पर प्रत्येक दिन अनाज के 3-8 सर्विंग्स के बीच पाने की कोशिश करें। ब्रेड का एक टुकड़ा, आधा कप 125 ग्राम, चावल या पास्ता, या 5 पूरे गेहूं के पटाखे एक सेवारत के रूप में गिना जाएगा। 5. आवश्यक विटामिन के लिए प्रत्येक भोजन पर सेवारत फल या सब्जी खाने का लक्ष्य रखें। फलों और सब्जियों पर भरना कैलोरी पर कटौती करने का एक शानदार तरीका है, जबकि आपके शरीर को अभी भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पूरे दिन फलों और सब्जियों पर स्नैकिंग का प्रयास करें। फलों और सब्जियों में बहुत सारे फाइबर होते हैं, जो आपके खाने के समाप्त होने के बाद आपको लंबे समय तक संतुष्ट महसूस करने में मदद कर सकते हैं। जब आप भूखे हों या गाजर, अजवाइन या मिर्च जैसे नमकीन मांस के साथ स्वादिष्ट डिप्स के साथ जोड़ी बनाने के लिए काउंटर पर ताज़ा फल रखने की कोशिश करें। यदि आप ताजे फल या सब्जियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो जमे हुए विकल्प एक बढ़िया विकल्प हैं। वे सभी विटामिन और खनिजों को संरक्षित करने के लिए अक्सर फ्लैश फ्रोजन होते हैं। प्रत्येक दिन 1-2 कप 175-350 ग्राम फल और 1-3 कप 150-450 ग्राम सब्जियां खाने की कोशिश करें। 6. कैलोरी कम करने के लिए आप कितनी बार प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ खाते हैं, इस पर कटौती करें। इस प्रकार के खाद्य पदार्थों में कैलोरी को कभी कभी खाली कैलोरी कहा जाता है, क्योंकि वे आपके शरीर को विटामिन, खनिज, प्रोटीन या फाइबर के रूप में प्रदान नहीं करते हैं। इन खाद्य पदार्थों को छोड़ना वास्तव में कठिन हो सकता है, क्योंकि वे अक्सर बहुत स्वादिष्ट होते हैं। जब आप प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ खाते हैं तो बस अपने अन्य भोजन W को संतुलित करने का प्रयास करें। स्टेप 2, अडॉप्टिंग ए हेल्थियर लाइफस्टाइल। 1. अतिरिक्त कैलोरी जलाने में आपकी मदद करने के लिए अपने शरीर को अधिक हिलाना शुरू करें। स्लिम होने के बारे में, आप जितना अधिक कैलोरी लेते हैं उससे अधिक जलते हैं, और व्यायाम को प्राथमिकता देना एक शानदार तरीका है। आप पहले से ही जो भी शारीरिक गतिविधि करते हैं उसे ले और बढ़ाएं, ताकि आप हर दिन और अधिक आंदोलन में शामिल हों। उदाहरण के लिए, यदि आपका मुख्य आंदोलन काम करने या कपड़े धोने के लिए सीढ़ियों पर चलने से आता है, तो सप्ताह में 3-4 दिन 20-30 मिनट की पैदल दूरी को जोड़ने पर विचार करें। युक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन में और अधिक आंदोलन जोड़ने के तरीकों के बारे में सोचें। इन परिवर्तनों को कठोर नहीं होना चाहिए और यहाँ थोड़ा और जोड़ना होगा। उदाहरण के लिए, लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों को ले जाएं, बैठने के बजाय अपनी डेस्क पर खड़े हों, अपने पसंदीदा TV शो के दौरान जगह पर चलें, या खरीदारी के लिए जाने पर सबसे पीछे पार्क करें। 2. वजन कम करने में मदद के लिए अपने सप्ताह में एक नियमित व्यायाम योजना जोड़ें। रोजमर्रा की गतिविधियों से अपने आधारभूत आंदोलन को बढ़ाने के अलावा योजनाबद्ध और संरचित शारीरिक गतिविधि सहित शुरू करें। याद रखें, कुछ गतिविधि कुछ भी नहीं से बेहतर है, और यहां तक कि सप्ताह में कुछ बार ब्रिस्क वॉक करने से स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। हर हफ्ते 150 मिनट व्यायाम करने की कोशिश करें। आप इसे 5-30 मिनट के सत्र या 10-15 मिनट के सत्र में तोड़ सकते हैं। एक गतिविधि खोजें जिसे आप इसे और अधिक सुखद बनाने के लिए करना पसंद करते हैं। वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, डांसिंग, एरोबिक्स क्लासेस, टेनिस खेलना, घुड़सवारी करना, यह पता लगाना कि आपके लिए क्या काम करता है ताकि आप इससे चिपके रहें। प्रत्येक सप्ताह 2-3 शक्ति प्रशिक्षण सत्रों को भी शामिल करने का प्रयास करें। आपके पास जितना अधिक मांस होगा उतना ही बेहतर होगा कि आपका शरीर कैलोरी बर्न कर सकेगा। जब आप TV देखते हैं या ब्रेक लेते समय अपने कार्यालय में फेफड़े करते हैं, तो आप हाथ वजन उठाने की कोशिश कर सकते हैं। 3. हर दिन अपने शरीर को स्थानांतरित करने के लिए खुद को प्रेरित करने के लिए प्रतियोगिता का उपयोग करें। वहाँ कुछ एप्लीकेशन और प्रोग्राम हैं जो आपको किसी विशिष्ट राशि के लिए हर दिन या सप्ताह में एक विशिष्ट आंदोलन लक्ष्य को पूरा करने के लिए चुनौती देते हैं। जब आप प्रतियोगिता में शामिल होते हैं तो आप एक छोटे से शुल्क का भुगतान करते हैं,
यदि आप अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं तो आपको चुनौती के अंत में अपना पैसा वापस मिल जाएगा। आप दूसरों के साथ जुड़कर एक ही चुनौती का सामना कर सकते हैं, दुनिया भर के लोगों से जुड़ सकते हैं और सफलता के लिए एक दूसरे को अंडा दे सकते हैं। चैरिटी माइल्स एक अच्छा ऐप है जो आपके द्वारा पूरी की जाने वाली एक्सरसाइज के लिए आपकी पसंद के चैरिटी को पैसा दान करता है। आपको कुछ भी उल्टा नहीं चुकाना पड़ता है और यह एक मज़ेदार तरीका है कि आप अपने दैनिक अभ्यास में भी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। स्टेबिट एक और ऐप है जो आपको 6 सप्ताह की फिटनेस चुनौती को पूरा करने की आपकी क्षमता पर पैसा लगाता है। यदि आप चुनौती पूरी कर लेते हैं तो आपको अपने पैसे वापस मिल जाएंगे, साथ ही उन लोगों के पैसे के पूल से एक हिस्सा मिलेगा जिन्होंने इसे बनाया नहीं था। 4. हर रात 7-9 घंटे की नींद ले ताकि आपके शरीर को इसके सबसे अच्छे संचालन में मदद मिल सके। बहुत कम नींद लेने से आपके लिए वजन कम करना और इसे बंद रखना मुश्किल हो सकता है, साथ ही आप किसी भी शारीरिक व्यायाम में शामिल होने के लिए बहुत थक सकते हैं। प्रत्येक रात बिस्तर से लगभग 1 घंटे पहले अपने फ़ोन को बंद करने और टीवी जैसे विकर्षणों को दूर करने का प्रयास करें। अध्ययनों से पता चलता है कि जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपका भूख हार्मोन ग्रेलिन बढ़ता है। इससे छोटे हिस्से के आकार में चिपकना या अत्यधिक स्नैकिंग से बचना कठिन हो जाता है। 5. अपने शरीर में कोर्टिसोल की मात्रा को कम करने के लिए अपने तनाव का प्रबंधन करें। जब आपका शरीर तनावग्रस्त होता है तो यह कोर्टिसोल को रक्त प्रवाह में छोड़ देता है। कोर्टिसोल आपके ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है और यहाँ तक कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बदल सकता है या आपके पाचन तंत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। कुछ तनाव पूरी तरह से सामान्य और स्वस्थ हैं, लेकिन इसे प्रबंधित करने की आवश्यकता है ताकि आप अपना सर्वश्रेष्ठ महसूस करें। संगीत सुनने, ध्यान लगाने, किताब पढ़ने, दोस्त से बात करने या कुछ अन्य गतिविधि करने की कोशिश करें जो आपको आराम करने में मदद करती हैं। यदि आपको अपने तनाव के स्तर को प्रबंधित करने में कठिन समय लगता है तो एक चिकित्सक को देखने पर विचार करें। वे आपको विशिष्ट उपकरण दे सकते हैं जो आपके तनाव को प्रबंधित करने में आपकी सहायता करेंगे। स्टेप 3, व्हेन टू सीक मेडिकल ट्रीटमेंट। 1. अपने चिकित्सक को देखें कि क्या प्राकृतिक वजन घटाने के तरीके काम नहीं कर रहे हैं। जबकि अच्छा पोषण और व्यायाम अधिकांश लोगों को वजन कम करने या बनाए रखने में मदद कर सकता है, कभी कभी खेलने में अन्य कारक होते हैं जो वजन नियंत्रण को मुश्किल बनाते हैं। यदि आपने प्राकृतिक तरीके आजमाए हैं और आप जो परिणाम चाहते हैं वह नहीं मिल रहा है तो अपने डॉक्टर से बात करें। आपका डॉक्टर आपके समग्र स्वास्थ्य का आकलन कर सकता है और यह निर्धारित करने का प्रयास कर सकता है कि कोई अंतर्निहित समस्या आपके वजन को प्रबंधित करने के लिए आपको कठिन बना सकती है। आपको एक शारीरिक परीक्षा देने और आपके वर्तमान आहार और जीवन शैली की आदतों के बारे में पूछने के अलावा आपका डॉक्टर संभावित स्वास्थ्य समस्याओं की तलाश के लिए परीक्षण चलाने की सलाह दे सकता है। आपके वर्तमान वजन और स्वास्थ्य के आधार पर आपका डॉक्टर आपको वजन कम करने में मदद करने के लिए अतिरिक्त उपचार सुझा सकता है, जैसे कि दवाएं या वजन कम करने वाली सर्जरी। 2. अपनी चिंताओं पर चर्चा करें कि आपका वजन आपके स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर रहा है। अधिक वजन होने के नाते जरूरी नहीं कि आप अस्वस्थ हैं। हालांकि, यदि आप अतिरिक्त वजन उठा रहे हैं तो आपको कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होने का अधिक खतरा हो सकता है। अपने चिकित्सक से बात करें कि क्या आप इस बात से चिंतित हैं कि आपका वजन आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डाल रहा है। अधिक वजन होने से अधिक जोखिम होता है। उच्च ट्राइग्लिसराइड्स और कम अच्छा कोलेस्ट्रॉल HDL, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दिल की बीमारी, आघात, नींद न आने की समस्या जैसे कि स्लीप एपनिया, पित्ताशय का रोग, पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस, कुछ प्रकार के कैंसर। 3. सुरक्षित रूप से वजन कम करने के बारे में सलाह के लिए अपने डॉक्टर से पूछें। यदि आपको वजन कम करने की आवश्यकता है या आप चाहते हैं तो आपका डॉक्टर वजन घटाने के लिए सुरक्षित, प्रभावी और यथार्थवादी दृष्टिकोण खोजने के लिए आपके साथ काम कर सकता है। वे विशेष रूप से आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और जीवन शैली के अनुरूप योजना बनाने के लिए आपके साथ काम कर सकते हैं और आपको एक उपयुक्त लक्ष्य भार निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए आपका डॉक्टर आपको बता सकता है कि आपके लिए किस प्रकार का व्यायाम उपयुक्त है और आप किस प्रकार के समायोजन को सुरक्षित रूप से अपने आहार में कर सकते हैं। आपका डॉक्टर एक आहार विशेषज्ञ या अन्य विशेषज्ञों की सिफारिश करने में सक्षम हो सकता है जो आपकी सहायता कर सकते हैं। 4. अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या आपको स्पष्टीकृत वजन बढ़ने या नुकसान है। बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक वजन बढ़ना या हानि एक गंभीर चिकित्सा स्थिति का संकेत हो सकता है। यदि आपको अपना वजन बदलता हुआ दिख रहा है और आपको यकीन नहीं है तो क्यों, अपने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लें। वे आपसे सवाल पूछ सकते हैं और यह बताने के लिए परीक्षण चला सकते हैं कि क्या चल रहा है। स्पष्टीकृत वजन परिवर्तन के सामान्य चिकित्सा कारणों में शामिल हैं थायराइड समस्याएं, ऐसी स्थितियां जो आपके हार्मोन को प्रभावित करती हैं, जैसे कि PCOS पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या कुशिंग सिंड्रोम, गुर्दे या हृदय रोग के कारण पानी प्रतिधारण, भावनात्मक समस्याएं जैसे अवसाद या चिंता, कुछ दवाएं। 5. यदि आपको लगता है कि आपको खाने की बीमारी हो सकती है तो चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप अपने वजन या शरीर के आकार के बारे में लगातार चिंतित हैं, या यदि आप अपने आप को तय करते हैं कि आप कितना खाते हैं या व्यायाम करते हैं, तो आपको खाने का विकार हो सकता है या किसी के विकसित होने का खतरा हो सकता है। यदि वे अनुपचारित रहते हैं तो खाने के विकारों से जीवन धमकाने वाली स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए अपने डॉक्टर को तुरंत कॉल करें यदि आप चिंतित हैं तो आपके पास एक हो सकता है। 1. खा विकार के आम संकेतों में शामिल हैं नियमित रूप से भोजन लंघन या अत्यधिक प्रतिबंधात्मक आहार खाने, वजन, शरीर के आकार या उपस्थिति पर फिक्सिंग, वी घातुमान खाना या खाना असामान्य रूप से बड़ी मात्रा में खाना, अपने खाने की आदतों के बारे में दोषी महसूस करना या घृणा करना, उल्टी को प्रेरित करने, जुलाब का उपयोग करने या खाने के बाद अत्यधिक व्यायाम करने की आवश्यकता महसूस करना, सामाजिक गतिविधियों से बचना, आहार और व्यायाम पर ध्यान देना। टिप्स: अपने जिम बैग को प्रेप करें और रात को सोने से पहले अपने वर्कआउट कपड़े पैक करें ताकि आप अगली सुबह जाने के लिए तैयार हों। जब आप पतला होने की कोशिश कर रहे हों तो यह आपकी प्रगति को ट्रैक करने में मदद कर सकता है। सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार अपने आप को तौलने की कोशिश करें या अपनी कमर को मापें कि क्या आप इंच खो रहे हैं। एक सहायता समूह में शामिल होने पर विचार करें जिसके साथ आप अपने वजन घटाने के लक्ष्यों के बारे में बात कर सकते हैं। ऑनलाइन समूह और फोरम हैं, साथ ही इन पसंद मीटिंग्स भी आप उपस्थित हो सकते हैं। 1 सप्ताह के लिए हर दिन आप क्या खा रहे हैं यह लिखने की कोशिश करें, यह आपके खाने की आदतों को रोशन करने में मदद कर सकता है और आपको यह देखने में मदद कर सकता है कि आप छोटे बदलाव कहाँ कर सकते हैं। चेतावनी: अपने वजन घटाने से आप क्या उम्मीद करते हैं, इसके बारे में यथार्थवादी रहें और याद रखें कि कम वजन का मतलब हमेशा यह नहीं होता है कि आप स्वस्थ हैं। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है कि आपके वजन के लिए क्या अच्छा है, तो अपने डॉक्टर से मिलें।